जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज मेरे साथ में जो शख्स खड़े हैं, इनसे आप बिल्कुल भी वाकिफ नहीं हो और मैं जब आप लोगों को इनसे वाकिफ करवाऊंगा, सच बता रहा हूँ, आप इस वीडियो को स्किप नहीं कर पाओगे, स्किप, क्योंकि इस लोकेशन पे आज वो शख्स खड़ा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मेरे साथ में है रुचिका के पिताजी। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, क्योंकि आज आप हमारे साथ में आए हो, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए कि आज आप हमारे साथ में हो। और जो हमारे साथ में आज इस वीडियो को देख रहे हैं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप भी इस लोकेशन पर आओगे, क्योंकि आपके आने से पहले इस लोकेशन पर बहुत कुछ हो चुका है। और आपकी फैमिली से हमारे साथ वो मेम्बर भी आ चुके हैं जो कभी इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बट आज अगर आप यहाँ खड़े हो तो वो बहुत मायने रखता है हमारे खुद के लिए और आप लोगों के लिए। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनको एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि लाइफ में जो जिंदगी आप जी रहे हो, जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती है, पर छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ जिससे आप समझ जाओगे कि परेशानियां किस हद तक होती है। जहाँ पे आपके एग्जाम्स आते हैं, पूरी साल आप पढ़ाई करते हो, एग्जाम्स आते हैं, और उस एग्जाम्स के दौरान आपका जो टीचर होता है वो आपके एग्जाम में आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करता, या फिर चुपचाप से आपको जवाब देने की क्षमता रखने की वहां पे कल्पना करता है कि आप जवाब दे सकते हो अपने आप से, क्योंकि उन सवालों के जवाब कहीं ना कहीं उस इंसान ने आपको सिखाए होते हैं, पढ़ाए होते हैं। वो वहां पे चुप रहता है, वो आपकी परेशानी नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस जगह पे ऐसा होता है कि नहीं, इस सवाल का जवाब मैं किस तरह से दूं, किस तरह से मैं इस पेपर को सॉल्व करूं। उसी तरह से मेरे महादेव जो मेरे इष्ट हैं, जिनको मैं मानता हूं, उसके अलावा जो कुछ भी आप जिनको भी आप मानते हो उनके हम रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो या ईसाई हो, हम किसी को कुछ नहीं कहते। देखो, सारे धर्म के हम रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे महादेव, हमारे ईष्ट जो है, उनके लिए हमारा सिर्फ इतना सा कहना होता है कि हमें उन पे विश्वास है, हमारे साथ में कभी भी वो किसी भी तरह से गलत नहीं होने देंगे, ना आज तक होने दिया है। जब से हमने उनको साक्षात देखा है, साक्षात उनके दर्शन किए हैं, तब से हमारे जीवन में जो परेशानी आती है कभी उन्होंने इतनी ज्यादा गंभीर होने नहीं दी कि हम इतने ज्यादा परेशान हो जाए कि आगे कुछ सोच ना सके। सारी चीजों को छोड़ते हैं, मुझे जो समझाना था, जो हमारे हम उम्र है उनको वो समझा चुका हूँ कि लाइफ में परेशानी जैसी कोई चीज नहीं होती है, बस एक माइंड सेटअप जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि ये परेशानी हमारी जिंदगी लेकर के ही मानेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ इस दिमाग का खेल होता है जिसकी वजह से सारी चीजें मुश्किल और आसान लगने लगती है। आज मेरे साथ में जो शख्स है, वाकई में मेरे लिए भी दिल से इनके लिए रिस्पेक्ट है और मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज ये मेरे साथ में है, तब जाकर के वापस इस लोकेशन पे या इस जगह पे, इस हॉस्टल में मैं आ पाया हूँ। बाकी बातें इन्हीं से जानते हैं, मेरा आपको प्रणाम स्वीकार हो। मैं बस इतना सा कहना चाहता हूँ कि आज आप जो आए हो, आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप जो है हमारे सामने खड़े हो। मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि है ना, एक अंदर से एक जो हिचक होती है वो कहीं ना कहीं दिखती है। मैं ये जानना चाहता हूँ, आपकी जो बेटी थी, क्या उसने, मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, अगर मैं गलत हूं तो मैं माफी चाहता हूँ हाथ जोड़ के और कान पकड़ के भी, कि उन्होंने ये कदम उठाया उससे पहले क्या आपसे कुछ कहा था, बात हुई थी या नहीं? मेरा भतीजा था आशीष, 6 महीने पहले उसको बहुत क्लोज थी, उसको मतलब शुरू से बहुत क्लोज थी उसके, उसको बताती थी वो सारी बातें, लेकिन वो समझ नहीं पाया ना मैं समझ पाया कि वो चाहती क्या है।
मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूँ कि आशीष ने आपको कभी कुछ बताया रुचिका के बारे में? नहीं, रुचिका के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि आप जिस वे में कह रहे हो और आशीष ने जिस वे में कहा था कि रुचिका उसी से ज्यादा बात किया करते, और उसके ज्यादा क्लोज थी वो, तो क्या आशीष के जरिए कभी आपको कुछ पता चला? नहीं, ऐसे तो कुछ पता पाने की, क्योंकि आशीष जब भी इस जगह पे आया है तब वो रो करके वापस गया है यहाँ से, जो आपका भतीजा है। आशीष ने आपको आज तक कुछ नहीं बताया क्या? कुछ नहीं बताया, मैं इस जगह आया हूँ आज, मैं सिर्फ रुचिका को देखने आया हूँ। रुचिका कौन थी आपकी? मेरी इकलौती बेटी थी वो। आपको होश है और ना? मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था। मैं आपकी लाइफ में रुचिका की कितनी इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है। आप पूछो सर, कहीं ना कहीं ये सवाल पूछना गलत है, मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मैंने ये सवाल किया आपको। तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। देखो सच बता रहा हूँ, एक बाप से अपनी बेटी के बारे में पूछना इतना सब कुछ वो गलत है। वाकई में मैं जब इनसे पूछ रहा हूँ तो सच बता रहा हूँ, मैं खुद की आंखों में आंसू लेके बैठा हूँ। सच बता रहा हूँ, जिस मोमेंट से मैंने इनका जिक्र करा है उस वक्त से लेकर अभी तक आपने इस वीडियो को स्किप किया है, तो प्लीज आप इस वीडियो को छोड़ देना, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जो अपनों से प्यार करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। रोंगटे खड़े नहीं हो रहे हैं हर जगह से, सच बता रहा हूँ। ये गर्मी नहीं है, सच बताऊँ हर जगह से गर्मी नहीं निकल रही, सिर्फ और सिर्फ आंखों से जैसे आंसू निकल रहे हैं वैसे ही पूरा बदन ऐसे रोने को जी कर रहा है कि जहां से मर्जी करे वैसे वहां से आंसू निकल जाए। लाइफ में हमने बहुत सारी लोकेशन विजिट करी है, बट ऐसा कुछ आज तक वहां पे नहीं हुआ हमारे साथ में जो आज फील कर रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ रहिए, जितना हमसे मुमकिन होगा वो सब कुछ करेंगे, नहीं होगा कोई बात नहीं, बट जो जिस दलदल में आप फंसे हुए हो, जिस बेटी को आप इतना प्यार करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो, उसके लिए रोना ठीक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी नहीं चाहती कि आप रो और उसके बाद आपके जो आंसू है वो निकले। हम हमारी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ तो अचीव कर पाए हैं, कहीं ना कहीं वो प्यार है इनका या आपका, जिस वजह से आज इन शख्स के सामने खड़े होकर के हम बात कर रहे हैं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव हमने देखे हैं, बट आज जैसा पड़ाव हमारी जिंदगी में आया हुआ है, जिस सीढ़ी पे हम खड़े हैं उस सीढ़ी से ना नीचे उतरने को जी कर रहा है ना ही ऊपर चढ़ने को जी कर रहा है, ऐसी जगह पे आज हम खड़े हैं। सुरे भैया चलते हैं यार, इनकी हालत खराब हो रही है। मैं सच बता रहा हूँ, मैं देख नहीं पा रहा हूँ यार, मैं खुद देख नहीं पा रहा हूँ यार। इस हालत में हम सच बताएं, सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आज इस वक्त पे ये खड़े हैं हमारे लिए, या कह सकते हैं भले इनके लिए हो लेकिन हमारे साथ है, तो हम कह सकते हैं हमारे लिए और आप देख रहे हो तो आप लोगों के लिए। वक्त किसी का इंतजार नहीं। मैं अगर आज यहाँ आया हूँ ना सिर्फ अपनी बेटी से मिलना आया हूँ। हम समझ चुके हैं प्रभु, हम माफी चाहते हैं, हम आपको इतनी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं और इतनी सारी बातें कर रहे हैं, अपनी बातों को मैं इनकी बातों के सामने खत्म करता हूँ, क्या हम आगे चल सकते हैं? जिंदगी कभी दूसरा मौका नहीं देती है जीने के लिए। सब लोगों के सामने वो किसी भी तरह से ये नहीं कहता कि हमने एक्सप्लोर कराया पहले या नहीं, बट आज का जो दिन है वो वाकई में हमारे लिए, सॉरी आज की जो रात है वो वाकई में हमारे लिए अहमियत रखती है। वहां पे हम उस इंसान के साथ खड़े हैं जिन्होंने उसे जन्म दिया था, या उसके जन्मदाता जो है। कहते हैं कि लड़कियां जो है अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करती हैं और अपने पापा का शायद माँ से ज्यादा ख्याल रखती हैं,
क्या मैं सही बोल रहा हूँ? देखो, और तुम्हारा कोई सवाल मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। मेरे साथ कैमरे पे सुनील भाई। सुनील भाई, एक सवाल जो है मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। आपका जो शराब पीने की वजह है इतनी ज्यादा, वो क्या है? उन्हें बेटी है बस। क्या आपकी बेटी चाहती है आप शराब को? नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती थी। उसके चक्कर में मैंने पीने डाली है। नहीं, क्या शराब पीने से आपकी बेटी वापस आ जाएगी? नहीं आएगी। या शराब पीने से क्या आप वो सारी चीजें भूल पाओगे? शराब पीने से क्या होता है मुझे एक ही सही है। आपकी बेटी की मृत्यु कौन सी तारीख को हुई? 13 जुलाई। श्योर? वो दिन मुझे आज दिन तक याद, वो दिन मैं बोल ही नहीं पाऊंगा। आज तारीख बहुत ज्यादा ही सोच सकता है, सिर्फ हमारे लिए ही, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा सोच। आज बंद हुए बहुत टाइम हो चुका है, बहुत वक्त हो चुका है घरों को बंद हुआ, बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है। यहाँ वो कुछ करावा था ना यार, ये पता नहीं क्या। यहाँ भी कुछ करावा था ना रुचिका के साथ। ये क्या हुआ? आप जहाँ खड़े हो कोई रेंगते हुए गया हो, उसके निशान बनाए हुए है ना। बट इससे सिर्फ इस जगह से एक बार नोटिस लेना हुई, सिर्फ और सिर्फ इस जगह से लेकर के इस जगह तक। सूर्य आवाज आई यार पीछे। कुंचिका, क्या हुआ? कुंचिका आवाज आई है। आवाज तो आई बट ये कुछ कह रहा है क्या हुआ? मुझे वो बैठी नहीं लगी। मैं इनको वो चीजें दिखाना चाहता हूँ जो हमारे साथ एक बार पहले हुई थी इस लोकेशन में आने के दौरान हमारे साथ जो हुआ था वो दिखाना चाहता हूँ। क्या आप इस तरफ आ सकते हो? इस तरफ मैं आपको मना कर रहा हूँ। तुम दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, क्या उस नाम को आप भैया? भैया मेरे खुद के आंसू आ रहे हैं, रुक नहीं रहे यार। भाई यार किसी की बेटी के साथ में ऐसा हो, मुझे खुद को सहन नहीं हो रहा यार। और किसी का हम आज तक सिर्फ इमाम को पढ़ पा रहे हैं, पर इस्लाम के साथ में जो आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है उसे हम किसी शब्द में नहीं कह सकते कि वो पूरा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं
प्लीज अपने आप को संभालिए, मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, आप अपने आप को संभालिए। सुनील अब इस तरह तो प्लीज बहुत कुछ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज मैं आपको संभाली में हर जो सबसे बेहतरी कर रहा हूँ, मैं आपको संभाली आपकी बात जगह पे ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे कुछ पीछे कोई है यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या चीज है जो यहाँ हमें दिखाई दे, क्या हो सकती है? ये वो चीज जो दत्त रुचि का बहुत मानती थी और वो खुद ही बनाया कर रही थी और उसको पता नहीं था ये क्या हो गया। कोई चीज है जो भटकाना चाह रही है आपको सुना रही, मैं आप लोगों के सामने आकर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो शख्स है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं जगह को लेकर के, क्योंकि इनसे लाभ है और इस जगह का जो रिश्ता था वो कहीं ना कहीं जा चुका है, आज इस दुनिया में मौजूद नहीं है, और जो आज हमें बहुत एक नई सी बात जानने को मिली है वो एक यहाँ पर जो निशान बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं रुचि का घर पे बनाया करते हैं। क्या आप अपनी बातों को दोबारा से दोहरा सकते हो? मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, क्या इसका मीनिंग क्या है, क्या क्या मतलब ये सिर्फ रुचि का बनाती थी घर पे, बहुत मानती थी मुझे तो, और बहुत ही ज्यादा शिद्दत से चाहते हैं। क्या आप चाहते हो आपकी बेटी दोबारा से आपको कुछ नजर आया यार सामने सूर्य में, कुछ नजर आया यार वहां पे मेरे को, वहां सामने आया था वो साफ ये जो जगह हम इस जगह से बहुत अच्छे से आती फिर इस जगह को आप अगर देख रहे हो इस जगह पे आपके अपने घर में से कोई एक इंसान है जो आपकी बेटी के साथ में जीते जी नहीं मरने के बाद भी उसके साथ कुछ गलत करना चाह रहा है। यहाँ पे जो पहले कुछ करा हुआ था वो
नहीं है यार मेरी, जो पहले जो तांत्रिक भी कोई ऐसा, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे पता है इनके घर में से ही कोई एक शख्स है जो ये सब कुछ कर रहा है। आप ही के घर में से कोई एक शख्स है जो यहाँ पे ये सारी चीजें कर रहा है, और क्या मिल रहा है ये मुझे नहीं पता, क्या मिल रहा है मैं सच बता रहा हूँ। क्या आप अपने घर में से किसी को इस तरह से जानते हो जो आपकी बेटी के साथ में गलत चाहता हो? बाल जो हमारे सामने शख्स खड़े हैं, सॉरी यार पीछे से आवाज आ रही है, बार-बार पीछे से अजीब सी, जैसे कोई रोता है ना सिसक सिसक के, वैसी आवाज आ रही है यार सुन, ऐसा बोल रही पापा पापा बार बार यार, पता नहीं इसके अंदर भी है क्या। रुक गया ये, हाँ ये भी उसके नाम पे हो रहा है, सिसकने की आवाज आ रही है यार इसमें से, पापा की आवाज आ रही है ऐसे। रुक गया, रुक गया, जितने लोग इस वीडियो देख रहे हैं मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आज जो ये शख्स खड़े हैं ना, सच बताऊं वेल एजुकेटेड है, और सच बताऊं तो अपने दम पर बहुत कुछ करने की काबिलियत रखते थे, सिर्फ अपनी बेटी की जाने की वजह से पिता आज इस हालात में आप लोगों के साथ। सूर्या सामने है वो रुचिका, सूर्या मेरे से खुद से सहन नहीं हो रहा यार भैया, कसम से यार भैया, क्या आप अपने पिताजी से बात करना चाहते हो? अपने पिता के सामने सर झुकाया है, शख्स रो रहा है, तो ये मुझे उनको लाना होगा, यानी कि उसका अंदर चल उसे।
घड़ी का सामने रुचिका, मुझे तो पता क्या बात थी यार। भाई सामने है नहीं, इनको दिख रहा है घड़ी है यार, वो खुद रो रही है। सूर्या भाई यार ये कैसे हो सकता है, भाई ये कैसे हो सकता है यार, अपने को तो कुछ भी नहीं दिखाई नहीं दे रही है वो। अरे खड़ी है यार। सूर्य यार चले यार यहाँ से, मेरे को खुद को सहन नहीं हो रहा यार भाई यार यहाँ से। सूर्य चले यार, अगर ये चार अंदर को रोकना नहीं है स्वामी जी,